सकते हैं? आइए जी सर। नमस्ते सर। बैठिए। थैंक यू सर। अपने बारे में कोई 5 सेंटेंस बताइए। जी सर। सर मेरा नाम सोनाली ठाकुर है, मैं विदिशा जिले की गच्चबास्ता तहसील की निवासी हूँ। सर मैंने नवांकुर विद्यापीठ से अपनी एजुकेशन की है। ग्रेजुएशन में सर मैंने बीकॉम कंप्यूटर किया है, जो लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय एवं बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से किया है सर। गंज बासोदा नाम क्यों पड़ा? सर बासोदा वासुदेव नगर के रूप में प्राचीन काल में जाना जाता था, इसलिए सर बासोदा। और सर गंज का अर्थ होता है मंडी, और बासोदा बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी कृषक मंडी के लिए, तो सर इसीलिए इसका नाम गंज बासोदा पड़ा है सर। एजुकेशन में क्या किया आपने? सर मैंने कॉमर्स से एजुकेशन कंप्लीट की है सर। अकाउंटिंग बिजनेस मैनेजमेंट है ना, कुछ ऐसा किया है? जी सर। तो इस फील्ड में क्यों नहीं गई तुम? सर मेरा प्राथमिक उद्देश्य प्रारंभ से ही सिविल सेवा में आना रहा है, तो सर इसलिए मैंने सिविल सेवा को ही चुना है सर। अच्छा, भारत में बिजनेस की क्या कंडीशंस हैं? सर भारत में बिजनेस वर्तमान में ग्रोथ के ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जो जारी की जाती है, उसमें भारत लगातार सुधार करता जा रहा है सर। वर्तमान में सर टॉप 50 कंट्री में भारत शामिल हो चुका है सर, और निरंतर इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? सर लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं, और सर इनके कार्यकाल में मुख्य रूप से जो भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 हुआ था वो हुआ था, साथ में ताशकंद समझौता इनका प्रमुख कार्य रहा है सर। अभी हाल ही में घटी हुई हमें कोई 3 घटनाएं बताइए। जी सर। सर सबसे पहले तो मणिपुर हिंसा जो अभी भी चल रही है वो। सेकंड सर ज्ञानवापी मस्जिद पर अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच कराई जा रही है वो सर। और तीसरा सर अभी नौ हिंसा की घटना घटित हुई है सर। चंद्रयान 3 नहीं? जी सर, चंद्रयान 3 भी जो कल ही लॉन्च हुआ है सर, कल ही चंद्रमा पे पहुंचा है सर। प्रज्ञान रोवर क्या है? सर प्रज्ञान रोवर एक रोबोट है जो चंद्रमा की सतह से कुछ चट्टाने मिट्टी आदि से संबंधित अपने नमूने एकत्रित करेगा, और उनके बारे में इसरो के द्वारा सर जांच करके उनका निरीक्षण किया जाएगा सर। अच्छा, अभी IPC के बारे में कुछ चल रहा है? जी सर। सर IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता लाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी बिल संसद में रखा गया है, परंतु अभी पास नहीं हुआ है सर। दोनों में क्या अंतर होगा? सर दोनों में कुछ संशोधन किए जा रहे हैं, इनमें अपराध में जो सजा में भी वृद्धि की जा रही है, और जो ब्रिटिश कालीन जो कानून व्यवस्था थी उसमें परिवर्तन करके वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसमें सुधार किए जा रहे हैं सर, और जो कानून व्यवस्था है उसे थोड़ा और ज़्यादा कठोर और सख्त बनाया जा रहा है सर।
और जो डेफिनेशन पहले क्लियर नहीं थी उन्हें क्लियर किया जा रहा है सर। आईपीसी कब लागू हुई? सर आईपीसी 1860 में लागू की गई थी सर। ये आपकी जो हॉबी है क्रिएटिविटी, ये आपके चयन में किस प्रकार से सहायक? सर जब मैं अपनी हॉबी पे काम करती हूँ तो इसमें एक ही कार्य को विभिन्न प्रकार से करने के अलग अलग विचार मन में आते हैं। और हमारा प्रश्न है कि ये जो आपकी हॉबी है ये आपके सिलेक्शन में किस तरीके से सहायक है? आपने फॉर्म भरा है जिसमें लिखा है कि आप अपने संबंध में यदि कोई विशेष जानकारी जो आपके चयन में सहायक, कि क्रिएटिविटी जो है आपके सिलेक्शन में किस तरीके से सहायक है? सर सबसे पहले तो कोई भी योजना होगी उसे कितने तरीके से मैं और कितने बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ इसमें मुझे सहायता प्राप्त हो सकती है सर। दूसरा यदि मैं जनजातीय क्षेत्र में नियुक्त की जाती हूँ तो वहाँ पर जो हस्तशिल्प कला से संबंधित जो भी कला मौजूद रहेगी उसे सर मैं प्रमोट कर सकती हूँ। और स्वरोजगार में भी सर इसमें मैं नए नए प्रयोग किए कर सकती हूँ सर। और इसके अलावा जो भी वेस्ट मटेरियल है उसे कितने बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सकता है वो मैं सर जनता तक पहुँचा सकती हूँ सर। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे चयन में सहायक हो सकती है सर। इसके पहले आपने कितनी बार इंटरव्यू दिया है? सर ये मेरा पहला ही इंटरव्यू है सर। कितनी बार एग्जाम दे चुकी है? सर यदि 2019 की बात करें तो ये मेरा दूसरा प्रयास था और वर्तमान में अभी तक मैं 3 मेंस दे चुकी हूँ सर और अभी 4 प्री क्वालिफाई हैं सर मेरे। क्या लगता है आपको इस बार सिलेक्शन होगा? जी सर मुझे ऐसा लगता है कि इस बार मेरा चयन जरूर होगा सर। क्योंकि सर जो भी मेरा मेंस के एग्जाम्स बहुत अच्छे गए थे और साथ में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितनी भी तैयारी की है वो बहुत अच्छे तरीके से की है और पूरी ईमानदारी से की है और मुझ में वो सभी गुण हैं जो एक अच्छे लोक सेवक में होना जरूरी है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस बार मेरा चयन जरूर होगा सर। इंटरव्यू तो अच्छा नहीं दे रही है। जी सर। सर कुछ गलतियां हो रही हैं मेरे से परंतु मैं उनमें सुधार कर सकती हूँ और एक सिविल सेवक के तौर पे मैं अपना बेहतर प्रयास करने का प्रयास करूंगी सर। आपके सकारात्मक पक्ष क्या? सर मेरे सकारात्मक पक्ष की बात करें तो सर सबसे पहले तो मेरा जो हसमुख व्यक्तित्व है इसमें मैं विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी खुद को स्वयं को मोटिवेट रख सकती हूँ। साथ में मैं अपने जो भी साथ वाले व्यक्ति रहेंगे अधीनस्थ रहेंगे उन्हें भी मोटिवेट रख सकती हूँ। दूसरा सर मैं हर उम्र के व्यक्ति के साथ सामंजस्य बहुत अच्छे से बिठा लेती हूँ तो वो एक जनता एवं प्रशासन के बीच में एक बेहतर संबंध स्थापित करने में ये बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है सर। और तीसरा सर मैं हमेशा अपने कार्य के प्रति डेडिकेटेड रहती हूँ हर कार्य को बेहतर से बेहतर तरीके से करने का प्रयास करती हूँ और बेहतर परिणाम लाने का प्रयास करती हूँ सर। ठीक थैंक यू सर।